7 अक्टूबर को बताने इमरान मसूद कांग्रेस बन गए। अल्लाह बेहतर जानता है, आप भी तो बेहतर जानते हैं। नहीं, अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जानता है, इंशाल्लाह जो होगा ठीक ही होगा। इमरान मसूद ने साफ तौर पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी ये मुस्कान सारी सियासी कहानी कह गई, जिसकी चर्चा यूपी के सियासी गलियारों में तेजी से हो रही है। चर्चा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मशहूर नेता इमरान मसूद फिर से घर वापसी करने जा रहे हैं। वो 7 अक्टूबर को कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। 7 अक्टूबर को बताने इमरान मसूद कांग्रेस बन गए। अल्लाह बेहतर जानता है, आप भी तो बेहतर जानते हैं। नहीं, अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जानता है, इंशाल्लाह जो होगा ठीक ही होगा। आइए पहले आपको इमरान मसूद के राजनीतिक सफर के बारे में बता देते हैं। इमरान मसूद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े राजनीतिक चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं। 2022 की यूपी विधानसभा चुनाव से पहले वो कांग्रेस का हाथ छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। सपा से लंबी बातचीत के बावजूद जब उनकी बात नहीं बन पाई तो उन्होंने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देकर बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया, लेकिन वहाँ भी उनकी दाल ज्यादा दिन नहीं गल पाई। बसपा अध्यक्ष मायावती ने पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाते हुए उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया। बीएसपी से बाहर किए जाने के बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि वो किस पार्टी के साथ जुड़ेंगे। इस बीच खबर आई कि वो 7 अक्टूबर को कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। इमरान मसूद का राजनीतिक रसूख। इमरान मसूद कांग्रेस में राष्ट्रीय सचिव रहने के अलावा दिल्ली प्रदेश के प्रभारी भी रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में इमरान मुस्लिम चेहरे के तौर पर एक मजबूत नेता माने जाते हैं। वो सहारनपुर सीट से कई बार चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें जीत हासिल नहीं हो पाई है। इमरान के रिश्ते राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ बहुत पहले से बेहतर बने हुए थे, लेकिन 2022 चुनाव से पहले इमरान ने कांग्रेस का दामन छोड़कर सपा में जाने का मन बना लिया था। हालांकि कई दौर की बातचीत के बावजूद टिकट जैसे तमाम मसलों पर इमरान मसूद और अखिलेश यादव में बात नहीं बन पाई। फिर उन्होंने हाथी पर सवार होकर अपने सियासी पारी को आगे बढ़ाना चाहा, लेकिन यहाँ भी ज्यादा दिन वो नहीं रह सके। आपको बता दें कि इमरान मसूद 2014 में अपने बयान को लेकर चर्चा में आए थे। 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने पीएम मोदी को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। हालांकि अब 2024 का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे इमरान मसूद को कांग्रेस में शामिल होने के बाद टिकट मिल पाएगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा।